अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और मेरे सामने मेरा नाश्ता हाजिर है। ओ माय गॉड। और आज ईद का तीसरा और आखिरी दिन है, तो आप लोगों ने बताना है कि पहला और दूसरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। ईद का तीसरा ब्लॉग आज स्टार्ट करते हैं। नाश्ता दिखाता हूँ, नाश्ते में क्या चीज़ है मेरे पास। तो व्यूअर, नाश्ते में मेरे पास मोम ने मुझे दिया चाय और साथ में रस, क्योंकि यार मैं गोश्त खा के थक गया हूँ। मैंने बोला मोम आज लाइट सा नाश्ता होना चाहिए, तो करते हैं नाश्ता, उसके बाद आपको मिलते हैं। आज की वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो स्नेक कनेक्टेड विद बकार पार्ट। आज आप कैसे हैं? और आज मैं मामू के घर आई हूँ और मामू नहाने गए हुए हैं। और आज मेरे कप मैं प्यारी लग रही हूँ, लेकिन मैंने बाल बनाए हैं, मेकअप तो किया नहीं है। आपसे ले लेंगे। तो आज सारे मेहमान है हमारे घर, कैसी आप? ठीक है। तो सारी खाला है, सुईटी तो काफी लेट, आप लेट क्यों हुई हैं? बस ये बहाने खत्म नहीं होते इनके ना, बस लेट हैं। तो आज सारे मेहमान घर आए हैं, आज बाहर नहीं गए, आज का ब्लॉग यहीं का ही बनेगा। बस थोड़ी देर जा रहा हूँ बाहर दोस्तों के साथ, फिर वापसी यहीं आ जाऊंगा, तो आज का ब्लॉग यहीं बनेगा। और सुमैया ने मेरा मोबाइल उठाया था, मुझे बता रही थी। दो तीन दिन से मोम आप कहाँ गायब थी? अम्मी किचन में। बस ये जो ईद होती है ना, ये किचन में गुजरती है मोम की। तो मोम तो आई, आज बनाया क्या खाने में? आज तो बहुत आपकी कैसी गुजरी है? बोरियत गुजरी, शोहर याद आ गया था। अच्छा, बस इमोशनल हो जाएंगे आप भाई, ये तो इमोशनल हो गई है। और ये इन लोगों को हंसने के अलावा कोई काम नहीं। पीछे क्या लगाया हुआ? पीछे गाने लगे हुए थे। खाला के पैसे उठा रहे हैं, हमें खाला ने ईद नहीं दी। हटो यहाँ से, चुप। चोरी कर ली मैंने खाला का पूरा पर्स। खाला जी, खाला क्या हुआ? कैसे हो? ठीक। ये देखें तो खाला के पर्स से मैंने ईदी निकाल दी। खाला आप शराफत से मुझे ईदी दे दें, वरना मैं आपके पर्स से निकाल लूंगा। आप मुझे दे दें बेटा। नहीं, बड़े का छोटे? हाँ। आप ही दे देना। आप दो। नहीं, आप नहीं दे मेरे पास। खाला ऐसे नहीं करे, कोई भी ईदी सी तो कोई भी दिन दे रहा हमें। क्योंकि बकरा ईद और कोई दिन दे रहा हमें। चोरी कर रही हूं, मैंने अपनी नन से ली है। अच्छा ठीक है व्यूअर्स, तो अब मेहमानों का रश मच चुका है बहुत ज्यादा यहाँ पर। और मैं जाता हूँ अली के पास और फिर थोड़ी देर तक फिर दोबारा आता हूँ, देखता हूँ ये मेहमान बैठे ही नहीं बैठे। मोम, ये खाने में ये क्या बन रहा है? ये बसंत है, ये पुलाव बन रहा है। ये पुलाव अभी बन रहा है, बस बनने वाले बेटा, थोड़ी देर। मजा आया? ये यान के काम देख ले, यान ने सारा दूध गिरा दिया और मोम का, और मोम अब बहुत गुस्से में है और सारा फ्रिज खराब है। मोम गुस्से में आ गई, खत्म। हमने तो मेरी बेइज्जती कर दिया, बहुत गुस्से में भाई, मैं तो जा रहा हूँ बाहर। A few moments later. ओए, आज तो ये ट्रीट दे रहा है, मुझे पैसे निकलवाने आया है। हाँ भाई, निकलवा जल्दी का, शाबाश। कल मैंने भी निकलवाए थे ना, तू भी निकलवा। ओए ठंडी हवा भाई, सुकून मिल गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ भाई, कैसी गुजरी है? गुजर गई। कैसी गुजरी है? गुजर गई है। ये कैसी गुजरी? अच्छी हुई? गुजर गई। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा है, बड़ा बेरुखा इंसान है भाई, कह रहा है गुजर ही गई है बस। कुछ खाया हमने इसलिए नहीं क्योंकि घर बहुत कुछ बना हुआ है। रम्मा ने लड़ना था कि घर तक खा के आ गए, इसलिए घर जाके खाऊंगा। फिर हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लिया। A few moments later. घर आ चुका हूँ, और जैसा कि आपको बताया था कि यान ने नुकसान कर दिया, दूध गिरा दिया, और मैंने अम्मी को नहीं बताया कि मैं दूध लेके आया हूँ। तो अम्मी को देखते हैं कि अम्मी खुश हो जाएंगी कि मैं उनको बताया बगैर दूध लेके आ गया हूँ। Oh my God! तो छुपा लेते हैं। अम्मी आ रही हैं, यान अम्मी आ रही हैं। आगे अम्मी, ये बात सुनिए, इधर आए। ये ले आया हूँ दूध। थैंक यू। तो दूध ले आया, थैंक यू करिए अम्मी। चलो ठीक है, कोई थैंक यू नहीं। तो अम्मी खुश हो गई ना, इस मनुष्य ने ना, इधर मनुष्य ने ना बड़ा नुकसान कर दिया। कैसे तूने नुकसान किया बताओ? मैंने मीत मिलने गए और मामू सोए हुए थे, क्योंकि मामू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ये सब लोग हंस रहे हैं हमारे घर में ना। तो आज मामू से भी ईद मिल लेते हैं। क्या है मामू, मुबारक।
क्या हो गया मामू, ये तो दे दो, गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। शर्मीले, मेरे मामू बहुत शर्मीले हैं मामू। तो क्या कहते हैं, मामू की थोड़ी तबीयत भी खराब है और मामू शर्मीले हैं, इसलिए ये सब क्या देखना पड़ रहा। वीवर खाना तो आ चुके, खाना खाते हैं, इसके बाद हम लोगों ने जाना है खाला के घर। देखते हैं फिर आप लोग टच में रहे। आधी रात को इन लोगों को सूझी है खाला के घर जाने की और रिक्शा फुल करके जा रहे हैं। तो जरा खाला घर जाते हैं और देखते हैं। A few moments later. ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सुमारा आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक ठीक है। अच्छा, तो खालू को ईद मुबारक। खालू ईद मुबारक। हम इस टाइम खालू घर आ गए और लाइट भी नहीं है, सीना बिल्कुल अंधेरा है। इमरान भाई कहाँ गए? अब मुझे इतना लंबा सफर कर जाना पड़ेगा वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे लाइट नहीं है और हम अंधेरे में आ तो गए हैं। बस देखो, खाला ईद मुबारक। ईद मुबारक खाला। हटो, ईद नहीं ले दो सबको। ईद हटो हटो हटो। इमरान भाई, ईद मुबारक। चलो भाई, सबसे ईद तो मिल गया, अंधेरे में आप बैठते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हम आपके घर देर से आए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है, रिक्शा सामने मिल रहे हैं। हम लोग आए थे रिक्शा ढूंढने के लिए और अभी मिल गया रिक्शा। वही खड्डे तो देखे, तो फिर हम अभी वापसी चलते हैं ना? नहीं, उसको बुलाते हैं ना पहले। तो फिर ये रुकेगा, जी का पुत्र रुकेगा ही है। चलें रिक्शा रोकते हैं। और ये रोड आप लोगों ने देखा है ना, ये रोड कितना खतरनाक रोड है। तो रिक्शा तो हमें मिल गया, मैं बताता हूँ, रुके। एक रिक्शे में ना कोई 8 लोग बैठ के आए हैं और रिक्शे वाला हमें दोबारा वही मिला है और वो कह रहा है कि ना मेरी माफ़ी, मैंने आप लोगों को लेके नहीं जाना। तो यार अब हम क्या करते हैं, अब हम लोगों ने खाला घर आना था लेकिन फिर अब रिक्शा नहीं था, तो रिक्शा हमने ढूंढा बड़ी मुश्किल से। हम खाला घर इस टाइम पहुँच चुके हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग रिक्शा रोकने आए हैं और देखते हैं कि रिक्शा मिलता भी है या नहीं। मुझे नहीं लगता यहाँ से रिक्शा मिलेगा। चलें ठीक है, रिक्शा ढूंढते हैं फिर। अच्छा भाई साहब को अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी हमें छोड़ चल दिया ना, खालू और आप ही छोड़े चल लो हमें रोड तक। चलो पैदल, चलो पैदल पैदल। रिक्शा नहीं मिला, पैदल रोड तक जाना पड़ेगा हमें। हाँ रिक्शा मिल गया, आखिरकार हमें रिक्शा मिल गया। चलें ठीक है, अब घर जाते हैं और बस घर पहुँचते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें रिक्शा मिल तो गया है। सो वेलकम बैक व्यूअर्स, घर आ चुका हूँ और बड़ी मुश्किल से घर आया। ईद का तीसरा और आखिरी दिन भी बाय, टाटा, फिनिश, खत्म खत्म। हम ईद आती है जाती है पता नहीं चलता। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और जो लोग मुफ्त में वीडियो देख रहे हैं मेरी, मतलब सब्सक्राइब किए बगैर, वो जाके फौरन सब्सक्राइब करें। अब डेली व्लॉगिंग तो आप लोगों के लिए व्लॉग बनाता हूँ, व्लॉग तो आते रहेंगे लेकिन आप लोग जो लाइक का बटन नहीं दबाते ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है आप लोगों पर। फिर भी मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। चलें ठीक है, आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पर खत्म। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और उसके अलावा कमेंट करते हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों के लिए ये कि जिन जिन लोगों ने कुर्बानी की, अल्लाह पाक आप लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की, जिनके हालात खराब थे और मतलब के जो सौ सौ मसले होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी तौफीक अता फरमाए कि वो आने वाले साल में कुर्बानी करें। चलें आखिरी और लास्ट दफा ईद मुबारक। ईद होती है खत्म, मिलते हैं फिर डेली ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।